हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो वरीश चैनल पे, जहाँ पे मिलते हैं आपको एसएससी, बैंक, रेलवे और सभी गवर्नमेंट जॉब्स और सभी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो आज इस सर कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो वरीश चैनल को और पास में दिख रहे बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो डलती है तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो आज ही सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो वरीश चैनल को। तो देखिए दोस्तों, जिसका सबको इंतजार था कि जो ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट थी वो तो आ तो गई थी, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि वो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट थी, वो बदल भी सकती थी। उसके बारे में देखिए, देखिए बड़ा खुलासा हुआ, मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, कल के अखबार में देखिए 22 जून 2018 शुक्रवार को एक अलवर भास्कर, दैनिक भास्कर का एक न्यूज़पेपर है अलवर भास्कर, उसमें एक न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में। देखिए ये लिख रही है आपकी न्यूज़, में आपको कवर अप कराया था। एलडीसी व रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा एक दिन, प्रदेश में 14 लाख विद्यार्थियों पर संकट। देखिए दोस्तों, जो आपके ग्रुप डी की पेपर जो होने वाला था और जो एलडीसी का पेपर है वो एक दिन ही कराने के सोच रहे हैं राजस्थान सरकार, जो एक दिन ही कराने की सोच रही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, रेलवे के पहले से तय 12 अगस्त की परीक्षा सरकार राज्य सरकार का एलडीसी परीक्षा भी उसी दिन कराने का प्रस्ताव। दोस्तों देखिए, ये जो न्यूज़ है इसको पूरा कवर अप करते हैं। देखिए ये आ गया आपकी न्यूज़, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लंबे समय के बाद निकली भर्तियां, ये लिखा हुआ देखिए, इसको कवर अप करते हैं पूरा। लंबे समय के बाद निकली भर्तियों के महाकुंभ में इस बार राजस्थान के युवा अपनी भागीदारी नहीं कर पाएंगे। सरकार द्वारा युवाओं के हाथों से सुनहरा मौका छीनने की तैयारी की जा रही है। मामला प्रदेश में होने वाली परीक्षा एलडीसी भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है, मामला जो है एलडीसी परीक्षा भर्तियों से जुड़ा हुआ है। प्रदेश में एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए 14 लाख से ज़्यादा आवेदन मिले हैं। लंबे समय के बाद 11,500 से अधिक पद की यह भर्ती हो रही है। दरअसल सरकार द्वारा इस भर्ती की परीक्षा 12 अगस्त या 19 अगस्त को कराने की तैयारी की जा रही है। देखिए दोस्तों, 12 अगस्त और 19 अगस्त दोनों तारीख को ही यूपी का जो हमारे ग्रुप डी का पेपर है, तो यहाँ पे खबर आई है कि अगर ये एलडीसी का पेपर 12 और 19 तारीख को होता है तो बच्चे जो है या तो बच्चे ग्रुप डी का पेपर नहीं दे पाएंगे या एलपीजी का पेपर नहीं दे पाएंगे या फिर बच्चे एलडीसी का पेपर नहीं दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बच्चों के सामने दिक्कत आ रही है। और पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 90% से ज़्यादा है जिन्हें रेलवे ग्रुप डी और एलडीसी के परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है। कि दोस्तों देखिए, 90% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप डी और एलडीसी के लिए आवेदन करा है। जैसे कि सब जानते हैं, हर किसी ने ग्रुप डी एएलपी और का फॉर्म भरा है, तो राजस्थान में बहुत सारे 90% बच्चे ऐसे हैं जो एलडीसी और ग्रुप डी और एएलपी का फॉर्म भरा है। दोस्तों देखिए यहाँ पर डेट लिखी है 12 अगस्त और 19 अगस्त, देख लेते हैं। देखिए 12 अगस्त, देखिए अगर 12 अगस्त को पेपर होता है तो देखिए जिनके नाम ABTQOLFE इनसे शुरू हो रहे हैं, तो वो जो राजस्थान में रहते हैं जिन्हें या फिर एलडीसी का फॉर्म भरा है, तो वो इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। या तो उन्हें एलडीसी का पेपर छोड़ना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा ग्रुप डी का। तो दोस्तों अगर ये सरकार जो है, राजस्थान सरकार जो है, अपना एग्ज़ाम जो है 19 अगस्त को कराती है तो बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 19 अगस्त को रेलवे का कोई भी पेपर नहीं है। तो देखिए अगर देखिए आपका पेपर ये 12 अगस्त को होता है तो बच्चों के लिए दिक्कत है, अगर 19 अगस्त को होता तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों तो इससे देखो एक बात हमारे लिए ये पता चलती है कि जो आपकी जो 12 अगस्त जो डेट थी आपके रेलवे की, वो डेट जो है बिल्कुल सही है, इसी डेट को ही आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल, इसका मतलब होता है दोस्तों ये जो डेट आगे पीछे बदल भी सकती है। लेकिन जो अभी राजस्थान से न्यूज़ आई है उससे लगता है कि जो बिल्कुल रेलवे ने जो खबर दी है, अपने जो एग्ज़ाम शेड्यूल दिया है वो है बिल्कुल सही। तो दोस्तों आपकी तैयारी मुझे पता है वैसे तो ठीक ही होगी, लेकिन अगर तैयारी नहीं है आपके रेलवे को लेके तो रेलवे की तैयारी पूरी रखें, क्योंकि आपका पेपर 12 अगस्त से शुरू होने वाला है। दोस्तों आपका पेपर 12 अगस्त, 18 अगस्त और 26 अगस्त, 19 सितंबर और आपके 16 सितंबर को पेपर होगा। जी दोस्तों, तो तैयार रहिए, आपका पेपर आने ही वाला है आपके ग्रुप डी का। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो वरीश चैनल को, और बेल आइकन को भी दबाइए। जी दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो नीचे दिख रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप राजस्थान में अपने एलडीसी का फॉर्म भरा है तो बताइए नीचे कमेंट करके कि आपने राजस्थान का भी एलडीसी का फॉर्म भरा है। दोस्तों